नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो होंडा की ये SP125 है, इसका माइलेज आखिर कितना रहता है। तो भाइयों, मैंने इस बाइक को हर तरह से चला के देख लिया, मतलब बिल्कुल स्लो भी चला के देखा है, 40 की स्पीड में, 45 की स्पीड में, 55 की स्पीड में, 70 की स्पीड में और 70 से ऊपर की स्पीड में भी। तो अलग अलग तरीके से चलाने पर ये अलग अलग तरह का माइलेज देती है। तो जो मेरे को माइलेज की रेंज यहाँ पर देखने को मिली है, वो मेरे को देखने को मिली है यहाँ पर 60 से 65 के बीच, और 65 से ऊपर मेरे को माइलेज इसमें नहीं मिली है, जिसमें मैंने इसको डबल सवारी भी चलाया है, सिंगल सवारी भी चलाया है और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने इसको चलाया है। तो कुल मिला के जो इसका सबसे बेस्ट माइलेज आता है वो 45 की स्पीड पर आता है। 45 की स्पीड पर अगर आप इसको लगातार चलाते रहते हैं तो ये हो सकता है आपको 65 से भी ज़्यादा का माइलेज दे दे। तो कुछ कंडीशंस में कुछ लोगों को ये बढ़िया माइलेज दिया है। मैं इसका टैंक टू टैंक माइलेज करता हूँ, क्योंकि मेरे पास सारा डाटा आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको इस जगह शो कर रहा होगा। तो ये ऑलमोस्ट 60 से 65 के बीच, मतलब 62-64 इस तरह से मेरे को ये माइलेज देती रहती है। तो होप इस वीडियो के अंदर आपको माइलेज की थोड़ी सी आइडिया लग गया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।